विकी कौशल के लिए मुझे एक मामले में थोड़ा सा बुरा भी लग रहा है बाय द वे। हाँ, लेकिन टीज़र आने वाला है 13 तारीख को आई थिंक, पर क्योंकि एनिमल के साथ इसका क्लैश हो रहा है इस फिल्म का, अभी तक तो ऐसा ही सुना है मैंने। तो भाई बॉलीवुड की यही गलती है ना, जब कोई बड़े एक्टर की फिल्म बड़े बुकिंग वुकिंग के साथ दिखाया जाता है कि भाई बहुत बुकिंग हुआ, ये हुआ, वो हुआ, कलेक्शन हुआ, उसके साथ ये लोग उसके अगले वीक में भी नहीं रखते हैं कोई मूवी, उसके 2 वीक के बाद भी नहीं रखते हैं, उसको पूरा सोलो रिलीज़ 1 मंथ के लिए दे देते हैं, और उसके बाद ऐसे क्लैशेस में आती रहती है। एनिमल वर्सेस ये सैम बहादुर, या फिर वो योद्धा भी क्लैश हो रही है किसी फिल्म के साथ, ये होते ही रहेगा। जब तक आप किसी एक एक्टर को, बॉलीवुड को उतनी अकल चाहिए कि कितना इंपॉर्टेंस देना है आपको किसी भी एक्टर को, कलेक्शन आ रहा है तो क्या हुआ, क्या वो एक्टर हो कोई भी हो भाई, वो क्या एक एक महीना लेके रहेगा स्क्रीन्स, तो फिर यही होते रहेगा। बॉलीवुड की अच्छी फिल्में पिट भी जाएगी। अब ये मत बोलना उस टाइम पे कि भाई एनिमल को ज़्यादा स्क्रीन्स मिली और इसको नहीं मिली इसलिए ये हाल हुआ, और कंटेंट हुआ तो कोई भी फिल्म चलती है उसमें कोई शक नहीं, और इसमें कंटेंट है, ये बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी है। पर फिर भी समहाउ ऐसा भी हो सकता है कि एनिमल का इतना तगड़ा हाइप है और लोग बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं बार बार एनिमल का, तो हो सकता है कि इस मूवी की तरफ ज़्यादा ध्यान ना हो लोगों का। और मैं सीरियसली चाहता था ये जो विक्की कौशल की मूवी है ना, एज अ विक्की कौशल मत देखो उसको, ये सच में सोलो रिलीज चाहिए थी, पर अब डेट ही नहीं है इनके पास, और इनकी भी क्या गलती है जब और पहली बात तो बॉलीवुड वालों की गलती है। क्या आप जुलाई में, मतलब जब भी वो फिल्म आई थी, कौन सी आई थी अभी वो जिसके वजह से, सितंबर में जवान के बाद, क्या आप 14 सितंबर, 21 सितंबर, 28 सितंबर, 28 सितंबर पे तो 3 मूवी आई थी, छोड़ दो 14 या 21 वाली डेट नहीं थी आपके पास। सोलो रिलीज़ हमेशा सोलो बहुत फ़ायदेमंद रहती, छोड़ो अब क्या है, देखते हैं क्या होगा।